हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ सलाम जी सर जी, सही आ रही है आवाज़। जी। बिल्कुल हेलो, जी क्लियर है आवाज़ सर ठीक है, क्लियर है जी, जी, सर ठीक आवाज है क्लियर है सर आपकी। जी, ठीक है, ओके। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने ये नया टॉपिक शुरू किया था। मैंने आप लोगों को फाइनेंस फॉर द हाउस होल्ड जो है वो पढ़ा दिया था, उसमें फ्लो ऑफ द फंड्स और नीड फॉर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन और हाउस होल्ड का लिए फाइनेंस जो है वो मैंने डिस्कस कर दिया था। आज जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है फाइनेंस फॉर दी फर्म्स, के फर्म्स कैसे, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द फर्म्स टू फाइनेंस देयर मेजर एक्सपेंडिचर्स, इसको समझना है हम लोगों ने। तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंस फॉर द फर्म्स के अंदर हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो फर्म की सोर्सेज कौन कौन से होते हैं जहाँ से फर्म जो है वो पैसा इकट्ठा करती है। तो सबसे पहले सोर्सेज पे बात करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग एक्चुअली दो होते हैं, एक को हम कहते हैं इंटरनल फाइनेंसिंग और दूसरे को हम कहते हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। यानी फर्म के पास दो तरीके हैं जिससे वो पैसा इकट्ठा कर सकती है, एक इंटरनली है और एक एक्सटर्नली है। तो इंटरनल फाइनेंसिंग और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। इंटरनल फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि बैंक जो फर्म है उसके पास जो प्रॉफिट होता है फर्म का, एक्चुअली जो फर्म का प्रॉफिट होता है ना वो ये होता है, प्रॉफिट एक वो होता है जो फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉरपोरेट प्रॉफिट या प्रॉफिट। और दूसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है ना फर्म का, वो फर्म की उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है रिटेन्ड अर्निंग्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम रिटेन्ड रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं। यानी इसका मतलब ये वो पैसा है, अगर फ़र्ज़ करें फर्म ने 100 रुपये कमाया है, 100 रुपया, तो उसमें से 80 रुपया अपने स्टॉक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया और 20 रुपये जो है ना वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखा। वो जो है इसलिए रखा है कि अगर फर्म को बाद में कभी ज़रूरत पेश आए तो फर्म उसको यूज़ कर सकती है, या इन अदर वर्ड्स वो फर्म की इसको हम बिजनेस सेविंग्स भी कहते हैं, बिजनेस सेविंग्स। ये बिजनेस सेविंग्स हैं, ये फर्म के पास अपने जो इसको फर्म री इन्वेस्ट करती है, दोबारा से इसको वो बिजनेस में लगाया जाता है ताकि प्रॉफिट जो है अर्न किया जा सके। तो मतलब ये फर्म के पास बैकअप में पैसे पड़े होते हैं, इनको हम रिटेन अर्निंग्स या रिटेन प्रॉफिट भी कहते हैं, या इनको इंटरनली जनरेटेड फंड्स भी कहते हैं, इंटरनली जनरेटेड फंड्स। इसको और क्या नाम देते हैं, इंटरनली जनरेटेड, इंटरनली जनरेटेड फंड्स भी कहते हैं इनको, और इसी को ही हम इंटरनल फाइनेंसिंग कहते हैं। ये इंटरनल फाइनेंसिंग क्लियर हो गया आपको, ये सारा क्या है, ये इंटरनल फाइनेंसिंग है। इंटरनल फाइनेंसिंग मींस फर्म के वो प्रॉफिट जो उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, इसलिए नहीं किए कि उसको दोबारा से उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, ये रिटेन अर्निंग्स या रिटेन प्रॉफिट भी कहते हैं इन्हें, रिटेन अर्निंग्स या रिटेन प्रॉफिट भी कहते हैं इसको।
तो एक तो सोर्स फर्म के पास, ये हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिस, तो एक तो फर्म के पास जो सोर्स है वो इंटरनल है, दूसरा जो फर्म के पास सोर्स होता है उसे हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कहते हैं। और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग, और दूसरे को हम कहते हैं बॉन्ड फाइनेंसिंग। बॉन्ड को डेट भी कहते हैं, बॉन्ड को डेट भी कहते हैं, डेट डेट कहते हैं कर्जा। तो बॉन्ड फाइनेंसिंग या इक्विटी फाइनेंसिंग एक ही बात है। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि इसके थ्रू एक्सटर्नली आउटसाइड द फर्म जो है वो पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करती है, और उसमें वो क्या करती है, या तो अपने शेयर इशू करती है, ये इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब होता है, जिसमें वो इक्विटी का मतलब है स्टॉक, और स्टॉक फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं इसको, या इसको शेयर भी कहते हैं आम लोग, शेयर। तो शेयर के जरिए पैसा इकट्ठा करती है फर्म। तो इक्विटी का मतलब होता है अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप इन अ कंपनी। आप किसी कंपनी के जब शेयर खरीदते हैं या उसको, या उसके इक्विटी सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं वो खरीदते हैं, तो एक्चुअली आप उस कंपनी के अंदर मालिक बन जाते हैं, उतने ही जितनी अमाउंट का आपने शेयर खरीदा होता है। उसको शेयर भी कहते हैं, उसको इक्विटी भी कहते हैं, और स्टॉक भी कहते हैं। जैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का नाम सुना हुआ है, तो उस वहाँ पर कंपनी पैसा इकट्ठा करती है अपने शेयर्स को बेचकर। दूसरा जो कंपनी का एक्सटर्नल सोर्स है उसे हम कहते हैं बॉन्ड फाइनेंसिंग। अच्छा, बॉन्ड फाइनेंसिंग के अंदर फर्म क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है। उसमें जब बॉन्ड लोग खरीदते हैं तो वो कंपनी को कर्जा देते हैं। इसमें बॉन्ड खरीद कर वो कंपनी के मालिक नहीं बन जाते, बल्कि वो कंपनी को कर्जा देते हैं और कंपनी उसको उनके ऊपर सूद देती है। लेकिन जब लोग इक्विटी खरीदते हैं, कंपनी किसी की इक्विटी खरीदते हैं या स्टॉक या शेयर खरीदते हैं, तो उस पर कंपनी उनको शेयर देती है, वो शेयर होल्डर बन जाते हैं, तो इस पे उनको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड समझ रहे, डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मींस हिस्सा मिलता है, तो वो सूद नहीं मिलता। लेकिन बॉन्ड के ऊपर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, सूद मिलेगा, क्योंकि ये कर्जा है। तो कंपनी एक्सटर्नली जब फाइनेंसिंग कर रही होती है तो या तो वो बॉन्ड इशू करती है या वो इक्विटी सर्टिफिकेट इशू करती है। इक्विटी सर्टिफिकेट के अंदर वो कंपनी के आप मालिक बन जाते हैं, और जितनी अमाउंट का इक्विटी सर्टिफिकेट आप खरीदते हैं उतनी अमाउंट के आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं, और फिर कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को आप शेयर करते हैं। लेकिन बॉन्ड फाइनेंसिंग के अंदर जब कंपनी बॉन्ड इशू करके पैसा अर्न करती है, पैसा जनरेट करती है, तो उसमें ये होता है कि कंपनी जो है वहाँ पे क्या कर रही होती है कंपनी उसके अंदर ये कर रही होती है कि आपसे कर्ज ले रही होती है। तो ये दो सोर्सेज मैंने आपको समझाए हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग, ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हिस्से हैं, और इंटरनल फाइनेंसिंग भी मैंने अभी आपको समझाया। अब ये तो था फाइनेंसिंग ऑफ द कंपनी। अब मजीद ये समझने की ज़रूरत है कि ये पैसा चाहिए किस लिए, उसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ द फर्म्स। उसे क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ फर्म। फर्म को क्या जरूरत पेश आ गई, तो उसकी दो नीड्स होती हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, और दूसरा जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। ये दो नीड्स हैं, शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म्स की। इन दोनों नीड्स को पूरा करने के लिए फर्म क्या करती है, उसको पैसा चाहिए होता है। समझ गए ये बातें। अब इसको पढ़ते हैं, हम एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फाइनेंस फॉर द फर्म्स। फर्म्स को, फर्म अपने एक्सपेंडिचर को पूरा कैसे करती है, फाइनेंस का मतलब पूरा। अब इसमें देखें तो यहाँ पे आपको फ्लो ऑफ द फंड्स इन द बिजनेस नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर भी वही मसला है जो उधर था कि मिसमैच है, यहाँ पर भी लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है। जैसे ये जर्नल इशू है कि पेमेंट्स और रिसीट्स के अंदर
सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो जिस तरह से हाउस होल्ड को भी यही मसला है, गवर्नमेंट को भी यही मसला है, बिजनेसेस को भी यही मसला है, तो बिजनेसेस जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बिजनेसेस का भी ये मसला है कि उनका फ्लो ऑफ पेमेंट्स और फ्लो ऑफ रिसीट्स जो है वो मैच नहीं करता, रेयरली मैच, यानी वहाँ पर भी रिसीट्स जो हैं वो पेमेंट्स के इक्वल नहीं है, ये मसला है। अब जारी सी बात है कि जो बिजनेसेस हैं उनको जो रिसीट्स मिलती हैं, जो इनकम मिलती है वो डिफरेंट सोर्सेज से मिलती है, वो मैंने अभी आपको बताया है कि उसमें कंपनी सेल करके पैसे कमाती है, फिर इन्वेस्टमेंट से पैसे आते हैं कंपनी के पास, और उसके बाद कंपनी क्या करती है, अपने जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं जिनको आप फिक्स एसेट्स कहते हैं, उनको वो बेचकर भी पैसे कमाती है। ये है फर्म के एक बिजनेसेस के रिसीट के सोर्सेस के, सेल से पैसा आ रहा है, फिर इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है, और फिर नॉन करंट एसेट्स के डिस्पोजल से पैसा आ रहा है, तीन चीज़ें। अब ये है कि फर्म एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे करती है। आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, उसमें मैंने अभी आपको बताया था कि उनको वर्किंग कैपिटल के लिए ज़रूरत पेश आती है, यानी फाइनेंस करना होता है उन्होंने वर्किंग कैपिटल को, फाइनेंस का मतलब होता है पूरा करना, और उस वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, यानी वेजेस पे करनी है, सैलरीज पे करनी है, रेंट पे करना है, बिल पे करने हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि कंपनी ने पे करने होते हैं। और इसके अलावा ये तो मतलब शॉर्ट टर्म है, और उसके अलावा मीडियम और लॉन्ग टर्म नीड्स भी होती हैं कंपनी की, जैसे उन्होंने कोई एसेट्स खरीदने होते हैं, कोई प्रेमिसेस वगैरह खरीदनी होती है, मशीनरी खरीदनी, इक्विपमेंट खरीदनी, उसके लिए भी फर्म को पैसों की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को जब ये इन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है, इन एक्सपेंडिचर को पूरा करना होता है, तो फिर वो मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट करती है, सोर्सेज मैंने अभी आपको समझाए हैं कि क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये वही बात है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ द फर्म्स, यानी शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, ये बात मैंने अभी आपको समझाई है। देखें, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल नीड्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैपिटल नीड्स, ये दो नीड्स हैं उनकी। तो शॉर्ट टर्म जो वर्किंग कैपिटल नीड्स हैं वो ये है कि क्यों भला, क्योंकि जब प्रोडक्शन आपको पहले प्रोडक्शन करनी पड़ती है, फिर आप उसको बेच पाते हैं और फिर कहीं जाके आप कुछ अर्न करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो कंपनी को चीज़ बनाएगी तो बेचेगी ना, पहले तो बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या पैसा चाहिए, उसके लिए जारी सी बात है उनको अपनी प्रोडक्शन को फाइनेंस करना पड़ता है। प्रोडक्शन में क्या क्या आ जाता है, लेबर को पैसे देने पड़ते हैं, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, और फिर कहीं जाके उनको कोई पैसा वसूल होता है और फिर वो उससे अपना एक्सपेंडिचर करते हैं। इसलिए इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन सोल्ड में एक फ़र्क है, यानी प्रोडक्शन करने में और फिर उसको बेचने तक के लिए कंपनी को पैसा चाहिए होता है, तो इस गैप को फिल करने के लिए शॉर्ट टर्म में उनको पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोडक्शन करने से पहले भी पैसा चाहिए और फिर प्रोडक्शन जब बिकेगी तो फिर पैसा जब आएगा तो उस पर भी टाइम लगता है, तो उस दौरान भी उनको पैसा चाहिए ताकि मज़ीद आउटपुट को प्रोड्यूस किया जा सके और शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा किया जा सके, यानी लेबर को पैसे दिए जा सकें, रॉ मटेरियल ख़रीदा जा सके और इन्वेंट्री को मज़ीद बेहतर किया जा सके। दूसरा जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है फर्म को, उसकी वजह जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैपिटल नीड्स हैं। उसमें क्या है कि फर्म को क्या ख़रीदना पड़ता है, बाज़ औक़ात अपना प्लांट को रिप्लेस करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, कोई नया इक्विपमेंट ख़रीदना होता है उन्होंने, या अपने बिजनेस को उन्होंने क्या करना होता है, एक्सपेंड करना होता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए उनको लॉन्ग टर्म में भी पैसे चाहिए होते हैं। ये दूसरी रीज़न आपको बता दी कि वाई द फर्म नीड फाइनेंस। अब अगली चीज़ है कि फर्म पैसा कहाँ से इकट्ठा करती है। मैंने आपको बताया था कि फर्म के पैसा इकट्ठे करने के सोर्स, ये बता रहा है कि फर्म हैज़ बिजनेसेस हैव थ्री मेन सोर्सेज। मैंने आपको दो सोर्सेज बताए थे, ये देखें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। एक्चुअली उसने इसको तीन कहा है, एक ये कह दिया और ये दूसरा और ये तीसरा, इन दोनों इनको तीन कहा है, एक्चुअली दो ही हैं,
एक इंटरनल और एक्सटर्नल, उसने एक्सटर्नल को दो हिस्सों में डिवाइड करके तीन कह दिए, ठीक है ना जी। लेकिन एक्चुअली दो ही हैं, एक इंटरनल फाइनेंसिंग के सोर्स है कंपनी के पास और एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का सोर्स है। समझ आ गई? ये देखें, एक को हमने कहा इक्विटी कैपिटल, जैसे शेयर इशू करके पैसा कमाते हैं, और दूसरा क्या है इंटरनली जनरेटेड फंड्स यानी रिटेन्ड प्रॉफिट, ये इंटरनल इन्वेस्टमेंट, और तीसरा जो है कैपिटल है, कैपिटल डेट कैपिटल यानी डेट फाइनेंसिंग। तो ये दोनों जो है ना, ये और ये एक्सटर्नल है, और ये वाला जो है वो इंटरनल है, इंटरनल ये वाला है, ठीक है ना जी। तो वही मैंने जो भी आपको समझाया। उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा रहा है वो ये है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये होता है कि ज़रा समझें कि यहाँ पहले तो ये बताया जा रहा है कि क्रेडिट जो होता है, कर्ज़ा, क्रेडिट मीन्स कर्ज़ा, लोन जिसे कहते हैं, या डेट कहते हैं, लोन या डेट कहते हैं, कर्ज़ा जिसे कहते हैं, ठीक है ना जी। तो कर्ज़ा जो है वो शॉर्ट टर्म का भी फर्म ले सकती है, मीडियम टर्म का भी ले सकती है, और लॉन्ग टर्म का भी ले सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने ये बताई है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है कि लेंथ ऑफ द क्रेडिट जो है ना, लेंथ ऑफ क्रेडिट जो है वो इक्वल होनी चाहिए लाइफ ऑफ द एसेट के, लाइफ ऑफ द एसेट की। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। बात समझ आ रही? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि एक एक एसेट की एक लाइफ होती है। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने, आप में से किसी ने ट्रैक्टर खरीदा तो ट्रैक्टर की एक लाइफ होगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी उसकी लाइफ जो है वो 20 साल है, 20 ईयर्स। तो अब आप जो कर्ज़ा देंगे ना, वो कम अज़ कम जो जिसके लिए ट्रैक्टर के लिए आप कर्ज़ा दे रहे हैं, तो लेंथ ऑफ द क्रेडिट भी कितनी होनी चाहिए, कम अज़ कम 20 साल होनी चाहिए। समझ आ रही बात? यानी 25 साल के लिए कर्ज़ा मत दें, जितने साल का एसेट की लाइफ है उतने साल के लिए कर्ज़ा दें, क्योंकि हर साल वो अगर फॉर एग्जांपल आपको पेमेंट वापस करेगा तो 20 साल में वापस करना चाहता है, तो 20 साल अगर उसकी लाइफ है तो वो कहेगा जी 20 साल में मैं वापस कर दूंगा। अगर आपने 25 साल का कर दिया ना लेंथ ऑफ द क्रेडिट, यानी एसेट की लाइफ 20 साल है और आपने कर्ज़ा 25 साल के लिए दे दिया ट्रैक्टर खरीदने के लिए, तो 20 साल बाद तो वो एसेट ख़त्म हो जाएगा फॉर एग्जांपल। तो 5 साल में बाकी आपका क्रेडिट कैसे वापस होगा या कर्ज़ा कैसे वापस होगा? इसलिए ये बैंक्स को भी समझाया जाता है कि लेंथ ऑफ द क्रेडिट जो है वो लाइफ ऑफ द एसेट के साथ क्या है, मैच करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ आ गई बात? मैंने अभी आपको समझाया कि एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर की लाइफ जो है वो 20 साल है, तो आपने कर्ज़ा 20 साल तक की दे सकते हैं, 25 साल तक का उसे नहीं कह सकते कि 25 साल तक आप देते रहिएगा, वो तो 20 साल बाद हो सकता है ट्रैक्टर ही ख़त्म हो जाए, उस डेप्रिशिएट हो जाए बिल्कुल ही, तो वो आपको कर्ज़ा कैसे वापस करेगा। कोशिश करें उससे कम तक दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं 15 साल तक में उसे कहें कि 15 साल में आप हमें कर्ज़ा वापस कर दें, उसकी लाइफ अगर 20 साल है तो 15 साल में ही उससे पैसे वापस ले लें। लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट है कि कम अज़ कम तो उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना जी, यानी मैच करनी चाहिए। मैच मीन्स के लेंथ ऑफ द क्रेडिट और लाइफ ऑफ द एसेट, यानी अगर ये 20 साल है तो ये भी 20 साल है, तो ये दोनों 20 साल ही होने चाहिए। समझ गए? उसके बाद जो अगली चीज़ वो आपको समझा रहे हैं वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, वो ये है कि जो शॉर्ट टर्म के अंदर अमाउंट लेती है क्रेडिट की या कर्ज़ा लेती है फर्म, उसको आपने देखना है किसके साथ, लिक्विडिटी की कंसिडरेशन के साथ। मतलब ये कि ये आपने देखना है कि फर्म के पास इतना कैश होना चाहिए कि वो क्रेडिटर्स को यानी कर्ज जिन्होंने दिया उसको फर्म को, उनको वो पैसा वापस कर सके ऑन टाइम। समझ रहे हैं ना ये बात? तो इसका मतलब ये है कि उनके जो एक्चुअली उनके जो ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर उनके पास लिक्विडिटी इतनी नहीं है तो वो फिर आपको कर्ज वापस कैसे कर सकेंगे टाइम पे। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है वो इतना ज़्यादा शुड नॉट बी बिकम एक्सेसिव इन रिलेशन टू करंट एसेट्स, यानी उसको करंट एसेट्स से उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मीनिंग दैट कि शॉर्ट टर्म, ये बात समझें कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है उसको आपने मैच करना है करंट एसेट्स के साथ, ठीक है ना जी।
तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है वो आपके करंट एसेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी अमाउंट, यानी अमाउंट ऑफ द शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है वो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी करंट एसेट से, ताकि ये ना हो कि आपकी जो है, क्योंकि जो करंट एसेट्स होते हैं वो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ कैश होते हैं, वो एक्चुअली कैश ही होते हैं या सोर्सेज ऑफ कैश होते हैं और वो लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर कंपनी को करंट एसेट बेचने भी पड़े तो आपका कर्जा वापस कर सके, इसलिए करंट एसेट्स के कम अज़ कम बराबर होने चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? शॉर्ट टर्म क्रेडिट को। और अगली बात जो आपको समझा रहे हैं वो समझा रहे हैं कैपिटल गेयरिंग रेशियो। कैपिटल गेयरिंग रेशियो ये है कि उसका जो फार्मूला, यानी कैपिटल गेयरिंग रेशियो का फार्मूला ये है कि दिस इज इक्वल टू डेट ओवर कैपिटल फंड्स। इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, और लॉन्ग टर्म की क्रेडिट में मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, शॉर्ट टर्म में मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि शॉर्ट टर्म के अंदर शॉर्ट टर्म क्रेडिट की अमाउंट और करंट एसेट की अमाउंट बराबर होनी चाहिए, यानी उतना कर्जा ले सकते हैं आप लोग। और लॉन्ग टर्म के अंदर यह है कि डेट जो आप ले रहे हैं, डेट की वैल्यू और कैपिटल फंड की वैल्यू कम अज़ कम बराबर होनी चाहिए। समझ गया ना ये बात? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि ये जो कैपिटल फंड्स हैं ये इससे आपने क्या करना है, डेट की पेमेंट देखनी है कि अगर हमें पेमेंट करनी पड़े तो कैपिटल फंड में से निकाल के आपने डेट की पेमेंट करनी है, तो इसमें से शेयर होल्डर्स को जो है ना वो ज़्यादा सेक्रीफाइस ना करना पड़े। तो क्योंकि डेट की सूरत में आपको डेट भी पे करना पड़ेगा कंपनी को, और फिर उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और वो कहाँ से करेगी, वो कैपिटल फंड्स के मुकाबले में देखना है कि कैपिटल फंड्स जो है कम, अगर उससे ज़्यादा हो गया डेट तो फिर डेट की रिकवरी जो है कैपिटल फंड में से करनी पड़ेगी, उसमें से निकाल कैपिटल फंड में से निकाल कर डेट देना पड़ेगा, जो कि जारी से ज़्यादा शेयर होल्डर्स को उसमें से नुकसान होगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि डेट जो है वो कम अज़ कम डेट जो है वो कैपिटल फंड से कम हो, या डेट कम अज़ कम जो है कैपिटल फंड्स के बराबर हो। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है, समझ रहे हैं, यानी ये दोनों डेट और कैपिटल फंड्स बराबर हों। जिस तरह से ये लॉन्ग टर्म के अंदर बात हो रही है, ये लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, लॉन्ग रन की बात हो रही है। और शॉर्ट रन में ये कहा था कि शॉर्ट रन में जो अमाउंट है ना क्रेडिट की वो करंट एसेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। तीन बातें यहाँ पे समझाई हैं कि लेंथ ऑफ द क्रेडिट और लाइफ ऑफ द एसेट बराबर होनी चाहिए, दूसरी शॉर्ट टर्म क्रेडिट की अमाउंट करंट एसेट के बराबर होनी चाहिए, तीसरी बात ये बताइए कि डेट की अमाउंट जो है वो कैपिटल फंड से के बराबर होनी चाहिए। ये तीन बातें आपको समझाई, ठीक हो गया जी। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या क्या है, यानी अगर फर्म को कर्जा लेना पड़े तो शॉर्ट टर्म के लिए जो वो फर्म कर्जा लेती है वो कहाँ, वो किस किस तरह से ले सकती है, और ये प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल। अच्छा, ये जहन में रहें कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कोई एग्जैक्ट कैलेंडर पीरियड नहीं है, लेकिन ये चूंकि फाइनेंस का हम पोर्शन पढ़ रहे हैं तो फाइनेंस के अंदर जनाब लेस देन, ये मैं बता रहा हूँ इन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स में नहीं। और ये जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं अब, यानी ये 9वां, 10वां और 11वां चैप्टर, ये फाइनेंस के चैप्टर हैं, इसके अंदर लेस देन वन ईयर जो है, फाइनेंस के अंदर लेस देन वन ईयर जो है ये शॉर्ट रन कहलाता है, और फिर एक साल से लेके लेस देन 10 ईयर्स इसको इंटरमीडिएट टर्म कहते हैं, इंटरमीडिएट टर्म, और मोर देन 10 ईयर्स जो है ना वो लॉन्ग रन कहलाता है। ये फाइनेंस की दुनिया में टाइम पीरियड है,
टाइम पीरियड इन फाइनेंस बता रहा हूँ, टाइम पीरियड इन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स में नहीं, ये जेन में रहें कि एक साल से कम शॉर्ट रन, एक से दस साल के दरमियान इंटरमीडिएट टर्म, और एक दस साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म, ये है कहानी। अच्छा, अब ये मज़ीद समझिए कि जब हम यहाँ शॉर्ट टर्म कहेंगे तो शॉर्ट टर्म को हम शॉर्ट टर्म, ये भी समझिए कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। एक को हम कहते हैं मनी मार्केट, ये मैं बता रहा हूँ फाइनेंशियल मार्केट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता रहा हूँ, एक को मनी मार्केट कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट कहते हैं। जो मनी मार्केट होती है उसे हम शॉर्ट टर्म मार्केट कहते हैं, और जो कैपिटल मार्केट होती है उसे हम लॉन्ग रन मार्केट कहते हैं। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन की कहानी मैं अभी बता चुका हूँ, ये शॉर्ट रन है और ये लॉन्ग टर्म है, समझ गए बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इधर जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंदर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन है, इधर एक और स्टोरी है, इधर ये है कि एक साल से कम शॉर्ट रन और एक साल से ज़्यादा लॉन्ग रन, ये और स्टोरी है यहाँ पर, ये भी ज़रा जहन में रखना पड़ेगा, एक साल से ज़्यादा लॉन्ग रन, ठीक है ना जी। ये फाइनेंशियल मार्केट विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वो स्टोरी है जो काउंटिंग में यूज़ करते हैं कि एक साल से कम शॉर्ट रन और एक साल से ज़्यादा लॉन्ग रन, ये काउंटिंग वाले करते हैं। फाइनेंस वाले ये कहते हैं कि लेस देन वन ईयर, एक से दस साल और दस से ज़्यादा जो है वो लॉन्ग रन। बहरहाल, अब जब ये यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं कि प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल, तो एक्चुअली हम जिक्र किसका कर रहे हैं, मनी मार्केट का। ये सारा सवाल किससे रेलिवेंट है, ये सारा क्वेश्चन मनी मार्केट से रेलिवेंट है क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात हो रही। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ लिखा हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल, तो लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि ये कौन सी मार्केट है, ये कैपिटल मार्केट है। क्या हो गया, ये लॉन्ग टर्म मार्केट, ये कैपिटल मार्केट, ठीक हो गया। अब जरा इसको समझते हैं, ये जरा जहन में रहे कि हम पढ़ रहे हैं कि फर्म के फाइनेंस के सोर्सेज क्या हैं, फर्म पैसा कैसे इकट्ठे करती है, तो वो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया भी था फाइनेंसिंग के सोर्सेज के, एक इंटरनल हैं और एक एक्सटर्नल हैं, ठीक है ना जी। तो अब ये मज़ीद बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड बता रहे हैं, तो उसमें पहले शॉर्ट रन में बता रहे हैं कि पैसे कैसे इकट्ठे करेगी। तो उसमें पहला ये है कि फर्म जो है वो क्रेडिट एग्रीमेंट कर ले, नंबर वन क्या है, क्रेडिट एग्रीमेंट कर ले। अगर शॉर्ट टर्म में फर्म को पैसे चाहिए फाइनेंस करने के लिए, मनी चाहिए, तो फर्म क्या करे, वो बोरो कर ले मनी, कहाँ से, जाहिर सी बात है बैंक से कर ले या कहीं से भी कर ले। तो बिजनेसेस जो हैं वो बोरो कर सकते हैं फॉर इमीडिएट परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके बाद उनको पे कर दें फॉर द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड एक साल से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि शॉर्ट टर्म है। और इसमें क्या क्या हो सकता है कि आप बैंक से लोन ले लें, ओवर ड्राफ्टिंग कर लें, ओडी जिसे कहते हैं, कल भी बताया था, क्रेडिट कार्ड ले लें, ट्रेड क्रेडिट ले लें, हायर एंड परचेज, ये सारे वो तरीके हैं जिनके ज़रिए, ये सारे क्रेडिट एग्रीमेंट्स हैं, इनसे क्या होता है, इन सब में ये है कि आप मनी को बोरो करके अपनी चीज़ों को खरीद लेते हैं जो आपको ज़रूरत होती है इमीजिएटली। तो पहला तरीका ये है कि आप क्रेडिट एग्रीमेंट कर लीजिए। दूसरा ये है कि बैंक ओवर ड्राफ्ट, ये यहाँ पर भी बात हुई थी, बैंक ओवर ड्राफ्ट में ये होता है कि आपके पास आपका बैंक में अकाउंट है तो आपका जितना पैसा बैंक में पड़ा हुआ है आप उससे ज़्यादा निकलवा सकते हैं, बैंक आपको एक लिमिट बता देगा कि इतने हद तक आप निकलवा लें। फर्ज़ करें आपका 1 करोड़ रुपये पड़ा है, तो आप 1 करोड़ तो आपका अपना है, लेकिन आप 1,50,00,000 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल निकलवाना चाहते हैं तो निकलवा लें, उसमें बैंक आपको 50,00,000 का दे देगा, ओडी कहेंगे उसको, ओवर ड्राफ्ट कहेंगे, और एक्चुअली वो आपको बैंक क्या दे रहा है, कर्जा दे रहा है, तो उसके ऊपर बैंक आपको किसे क्या ले लेगा, सूद ले लेगा, जितनी अमाउंट आप अपनी अमाउंट से जो आपकी अपनी पड़ी है उससे ज़्यादा निकलवाएंगे, ओवर ड्रा कराएंगे, तो वो उसे ओवर ड्राफ्टिंग कहेंगे, उस पर बैंक आपसे सूद ले लेगा
और फिर वो आप उसको वापस कर सकते हैं, ठीक है ना जी। ये दूसरा तरीका है। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज बड़ा सिंपल सी चीज़ है। एक्सचेंज का मतलब आपको पता क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है गिव एंड टेक। तो गिव एंड टेक करते हुए जो एक बिल आपको मिलता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक कपड़े की शॉप पे चले जाते हैं और वहाँ जाके आप कपड़ा खरीदते हैं, तो वो आपको एक बिल देता है, दैट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिस पे उस कपड़े की दुकान का नाम लिखा हुआ है या उस फर्म का नाम लिखा हुआ, आपका नाम लिखते हैं, तारीख डालते हैं, अमाउंट लिखते हैं, सारा लिख के आपको दे देते हैं, और जो ही आप उसको आप देखते हैं आप उसको पेमेंट कर देते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, साइट बिल ऑफ एक्सचेंज भी होती है। साइट का मतलब देखते ही पेमेंट कर देते हैं, या फिर आप वो देखते कहते हैं कि यार मैं इसको 3 माह बाद पेमेंट करूंगा या 4 माह बाद करूंगा या 6 माह बाद करूंगा, लेकिन इसकी 1 साल से ज़्यादा अमाउंट नहीं होती। यहाँ पर जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं शॉर्ट टर्म में, ये शॉर्ट रन के हैं, और शॉर्ट रन में लोन 1 साल से ज़्यादा का नहीं होता, 1 साल से कम ही है। ये सारे, ये भी ए बी बी बी, ये सी बी डी बी, ये सारे ए बी सी डी ए, ये सारे 1 साल से कम तक की कहानी है। 1 साल से ज़्यादा की कहानी ये है, ग्रेटर देन 1 ईयर कैपिटल मार्केट में होता है, ग्रेटर देन 1 ईयर का अगर 1 साल से ज़्यादा का कर्जा लेना है, और अगर 1 साल से कम का लेना है तो ये वाले तरीके आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ये हैं लेस देन 1 ईयर का कर्जा लेने के तरीके, समझ रहे हैं? यानी ये वाले जो अभी पढ़ रहे हैं। तीसरा बिल ऑफ एक्सचेंज समझा रहा था। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या हो रहा है वहाँ पे? बिल ऑफ एक्सचेंज आपने उस पर लिख दिया, उन्होंने आपको बिल दिया, आपने उस पर लिख दिया मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूँगा, तो वो फिर 3 महीने बाद लिख के आपने साइन करके उनको बिल वापस कर दिया और चीज़ खरीद के आ गए। 3 महीने बाद वो दोबारा फर्म आपसे रब्ता करेगी और आपसे पेमेंट ले लेगी, सारी सी बात है। ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन बाज़ुकात ये होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में दो मैंने बात बताई कि एक साइट बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज है। साइट बिल ऑफ एक्सचेंज है कि जो ही देखा, जैसे हम मेडिकल स्टोर से लेते हैं दवाई, बिल देते हैं, वो बिल जो ही देखा हमने पेमेंट कर दी, तो ये साइट बिल ऑफ एक्सचेंज है। दूसरा ये होता है कि आप उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे वादा लिख कर देते हैं कि मैं 3 माह बाद या 6 माह बाद, मैक्सिमम साल से नीचे नीचे जो भी हो आप लिख देते हैं कि इस तरीके में पेमेंट कर दूंगा, तो वो फिर आपको वापस कर साइन करके दे देते हैं आप, और फिर वो उसी टाइम पीरियड पे वो आपसे रब्ता करके आपसे वो एक्चुअली वो ले लेते हैं पेमेंट, असल में कर्जा आप ले रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि वो फर्म आपको जानती हो, जारी सी बात है, तो फिर ही होगा ना ये सारा कुछ, अदरवाइज तो नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसी दौरान अगर वो फर्म को पैसों की ज़रूरत पेश आ जाए तो उनके पास बिल ऑफ एक्सचेंज तो पड़ा हुआ जिस पे आपने साइन करके रख दिए हुए हैं उसको, तो वो अपने बैंक में दे देती है उसको, और बैंक उसके ऊपर उनको कर्जा दे देता है और उस पे सूद लेता है, उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी वो वही बिल ऑफ एक्सचेंज उठा के बैंक को दे देते हैं, बैंक उस पे उनको कर्जा दे देते हैं उसी अमाउंट का और उस पे सूद लेता है, उसको हम डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। फिर वो उस टाइम पीरियड पे बैंक को वापस करते हैं कर्जा, बिल वो बिल ऑफ एक्सचेंज उस बंदे को वापस करते हैं, उस कंपनी को, और कंपनी उस बंदे से वापस ले लेती है पैसा दोबारा जिसको जिससे उन्होंने लेना होता है। तो ये भी एक प्रोसीजर है। इसमें एक और चीज़ भी होती है, वो ये कि बाज़ औक़ात बैंक को पैसों की ज़रूरत पेश आ जाए तो वो सेंट्रल बैंक के पास वही बिल ऑफ एक्सचेंज लेके चला जाता है और सेंट्रल बैंक फिर उसको डिस्काउंट करता है, इसको कहते हैं री डिस्काउंटिंग, और उस पर उस बैंक को वो कर्ज़ा दे देते हैं, तो फिर वो जारी सी बात है वो बैंक कर्जा ले लेता है उसके ऊपर। तो लेकिन जब वो टाइम पीरियड ख़त्म होता है तो सेंट्रल बैंक दोबारा वो बैंक को वापस कर देता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और उससे वो अपनी रकम भी वापस ले लेता है सेंट्रल बैंक, और कमर्शियल बैंक जो होता है वो दोबारा उस कंपनी को दे देता है बिल ऑफ एक्सचेंज और उससे वो कर्ज़ा वापस लेता है, और कंपनी दोबारा उस शख्स से रब्ता करती है जिसने लिख के दिया होता है और उससे वो पेमेंट वापस ले लेती है। तो ये एक प्रोसीजर होता है जिसको हम डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, जो मैंने आपको समझाया। इसके बाद है जी कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर भी क्या है? कर्ज लेने का तरीका है, और उसमें क्या होता है ये भी, ये सारे जहन में रखें, ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। ये सारे कौन कौन से? यानी क्रेडिट एग्रीमेंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, ये सारे क्या हैं? जो आगे जो जितने भी इसमें भी आ रहे हैं 2.2.3 में भी, ये सारे क्या कहलाते हैं? इन्हें कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और ये कागज़ के टुकड़े होते हैं,
कमर्शियल पेपर में क्या होता है कि ये बैंक्स या कंपनीज जिनकी क्रेडिट रेटिंग बड़ी अच्छी होती है, ये वो इशू करती हैं और ये पैसा इकट्ठा करने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत है तो वो कमर्शियल पेपर इशू करेंगे। जिनको भी अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड होती हैं वो कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं। यानी ईश्वर वो होता है जिसको पैसों की ज़रूरत होती है। ईश्वर मीन्स ईश्वर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिन्होंने पैसा इकट्ठा करना होता है। जैसे मुझे ज़रूरत है फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा आपसे कि मुझे 1,00,000 रुपये दें, आप तो नहीं देंगे। उसके लिए मुझे एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करना पड़ेगा, कागज़ के टुकड़े पर लिख के आपको देना पड़ेगा, उस पर गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट होगी, तो फिर उस पर लिखा होगा जी मैं 1,00,000 रुपये का ये है, इस पर इतना मैं सूद दूंगा या जो भी होगा, फिर आप वो रख के फिर वो मुझे देंगे। यानी ईश्वर हमेशा बॉरोअर होता है। तो इसी तरीके से कमर्शियल पेपर जो बैंक इशू करेगा या कंपनी इशू करेगी वो किस लिए करेगी, पैसा इकट्ठा करने के लिए। और ये इशू वही करते हैं जिनकी दुनिया में रेटिंग अच्छी होती है, जिनको लोग जानते होते हैं, और वो वरना लोग उनको कर्ज नहीं देते। तो वो पैसा, वो ये अनसिक्योर्ड होता है, यानी इनकी अनसिक्योर्ड मींस के इसकी कंपनी अगर डूब गई तो पैसा भी गया, इसकी कोई गारंटी नहीं होती वापस मिलेगा कि नहीं पैसा। आपने किसी कंपनी का कमर्शियल पेपर खरीद लिया तो वो अगर कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो फिर होगी डिफॉल्ट कर गई, फिर आपकी किस्मत सिक्योर नहीं है। और ये प्रोमिसरी नोट है, प्रोमिसरी कहते हैं प्रॉमिस किया हुआ है कंपनी ने या उस बैंक ने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम आपको पैसे वापस करेंगे, लेकिन जारी सी बात है अगर वो डिफॉल्ट कर गई तो फिर आपको लॉस भी हो सकता है। और इसके ऊपर वो आपको आपसे पैसा ले लेते हैं, मतलब 1,00,000 रुपये का आपने कमर्शियल पेपर खरीद लिया तो असल में आपने उस बैंक को या उस कंपनी को 1,00,000 रुपये का कर्जा दे दिया। उसके ऊपर वो या तो आपको इंटरेस्ट देगी या वो डिस्काउंट पे इशू करेगी। डिस्काउंट मीन कि 1,00,000 रुपये का जो कमर्शियल पेपर होगा हो सकता है वो 99,000 का खरीद ले, तो ऊपर 1,00,000 ही लिखा हुआ है, तो आप 99,000 देंगे और 1,00,000 का कमर्शियल पेपर खरीद लेंगे, और आपको खरीदते पता चल जाएगा कि 1,000 रुपये का बेनिफिट हो गया। और अगर वो 3 माह के लिए तो 3 माह बाद आपको वो 1,00,000 रुपये वापस कर देगा, ठीक है ना जी। और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो होती है वो 270 दिन तक होती है, सारे 1 साल से कम के होते हैं। तो बहरहाल ये इस पे या तो डिस्काउंट करके बेचा जाता है या इंटरेस्ट मिलता है इसके ऊपर। उसके बाद है जो भी मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म में बिजनेसेस क्या करती हैं, वो अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होते हैं वो रख लेती है, ताकि वो अपने रिसीट्स और पेमेंट में जो मिसमैच आया हुआ है, जो बराबर नहीं है, उनको वो फाइनेंस कर सके, ठीक है ना जी। और ये जो रिटेन्ड कैश है वो किसी बैंक में रख के उन अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा कर सकती है। ये हैं जी शॉर्ट टर्म के तरीके कंपनियों के, जिस तरीके से वो पैसा इकट्ठा कर सकती है। इससे आगे आ जाएं तो लॉन्ग टर्म की कहानी है। लॉन्ग टर्म मींस कि अगर कंपनियों ने 1 साल से ज़्यादा का कर्जा लेना है तो उनको रابطہ करना पड़ेगा कैपिटल मार्केट से। तो कैपिटल मार्केट में क्या क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें भी ABCDE तक हमारे पास, यानी टोटल 5 हमारे पास मौजूद हैं, इसमें भी हमारे पास 5 तक ही थे। तो इसमें जो पहला है उसमें ये है कि कंपनी जो है वो क्या करे, वो शेयर इशू करे, जो मैंने अभी आपको समझाया था, शेयर इशू करे, ये वाली बात जो मैंने अभी आपको समझाई थी, ये वाली कि कंपनीज जो हैं वो शेयर इशू कर सकती हैं, ये दिस वन, यानी दूसरा जो बात थी जिसे हम इक्विटी फाइनेंसिंग भी कहते हैं, स्टॉक फाइनेंसिंग या शेयर फाइनेंसिंग कहते हैं, यानी ये किसका हिस्सा है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का। तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में आ रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म है। आप किसी कंपनी का अगर शेयर खरीदते हैं तो 1 साल के लिए नहीं होता, वो जब तक आप हैं तब तक आप उस कंपनी के मालिक रहते हैं, जब तक आप उसे बेच ना दें उस शेयर को। तो शेयर कैपिटल का मतलब ये है कि आप, अब शेयर कैपिटल भी दो तरह के होते हैं, एक को हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कहते हैं और दूसरे को हम प्रेफर्ड शेयर कहते हैं, ठीक है ना जी। ऑर्डिनरी शेयर्स या प्रेफर्ड शेयर्स, ये दो होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स वो होते हैं जो कि असल में मालिक होते हैं कंपनी के, और यानी शेयर्स की जो काइंड्स है वो बता रहा हूँ आपको। शेयर्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर्स, और दूसरा कौन सा होता है, प्रेफर्ड शेयर्स। इसका मतलब ये है कि ये वो होते हैं जो एक्चुअली ऑनर ऑफ द एक्चुअली जो ऑनर होते हैं, ऑनर ऑफ द कंपनी होते हैं। और ये कौन होते हैं, ये यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं।
प्रेफर और इनको ही प्रॉफिट या लॉस मिलता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है या लॉस, प्रेफर्ड शेयर होल्डर को ये भी शेयर होल्डर तो होते हैं लेकिन ये कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल नहीं होते हैं, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन ये कर रहे होते हैं ऑर्डिनरी, ये एक्चुअल ऑनर ये होते हैं, ये भी ऑनर ही होते हैं लेकिन इनके पास कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती, ये कंपनी की डिसीजन मेकिंग में नहीं होते और इनको इंटरेस्ट मिलता है, हालांकि ये शेयर होल्डर होते हैं लेकिन इनको मिल इन शेयर होल्डर को तो प्रॉफिट लॉस मिलना चाहिए ना, लेकिन इनका इंटरेस्ट मिलता है और इनका इंटरेस्ट भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, जिस तरह बॉन्ड होल्डर होते हैं ना कंपनी, जिन्होंने कंपनी को बॉन्ड खरीदे होते हैं कंपनी के, ये कंपनी के कर्जा दिया होता है उन्होंने, उन बॉन्ड होल्डर्स को जारी सी बात है सूद मिलता है लेकिन वो फिक्स नहीं होता, इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स्ड बॉन्ड होल्डर का, ठीक है ना। इस इधर इंटरेस्ट क्या है इनका, फिक्स होता है, बॉन्ड होल्डर का इंटरेस्ट फिक्स हो भी सकता है, इंटरेस्ट फिक्स होने का मतलब यह है कि उनकी बॉन्ड की जो इनकम होती है वो फिक्स नहीं होती, वो इसलिए कि इनकी इनकम को कहते हैं यील्ड, और जो यील्ड होती है ना वो होती है आई प्लस जी, आई का मतलब है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट तो फिक्स है, ये जो मैंने इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स लिखा है ना ये गलती से लिख दिया, इंटरेस्ट नहीं बल्कि यील्ड फिक्स नहीं होती है, यहाँ पे मैंने क्या लिखना था, यील्ड इज नॉट फिक्स्ड, तो इंटरेस्ट तो इनका फिक्स होता है, यील्ड के दो हिस्से होते हैं, एक इंटरेस्ट होता है और एक कैपिटल गेन और लॉस होता है, तो कैपिटल गेन और लॉस और इंटरेस्ट दोनों मिलकर यील्ड बनाते हैं, इसलिए यील्ड फिक्स नहीं होती लेकिन इंटरेस्ट फिक्स होता है, बहरहाल इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कंपनी या तो बॉन्ड इशू करके पैसा कमाती है या शेयर इशू करके पैसा कमाती है, इसमें मालिक बना देती है, इसमें मालिक नहीं बनता, शेयर में मालिक बन जाते हैं आप, प्रेफर्ड शेयर होल्डर भी हो तो मालिक होते हैं लेकिन कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होते, ठीक है ना जी, ये दो बातें समझ आ गई आपको। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि कंपनी जो है वो यही बात लिखी हुई है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वैसे भी बड़े रेयर होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा जो इसमें ये हम लॉन्ग टर्म पढ़ रहे हैं यानी प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल, और इसका ताल्लुक मैंने अभी बताया कि कैपिटल मार्केट से होता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म होते हैं उनका ताल्लुक किससे होता है, मनी मार्केट से होता है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसमें क्या क्या है, इसमें है जी कि कंपनी अपने रिटेन प्रॉफिट्स को यूज़ करे और अदर रिजर्व्स को यूज़ करें, यानी रिटेन प्रॉफिट वो प्रॉफिट हैं जो जो कि कंपनी के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने शेयर होल्डर्स को पे नहीं किए थे एज ए डिविडेंड, डिविडेंड कहते हैं हिस्सा, सारा हिस्सा नहीं मिला था उसमें से कुछ रख लिया था, इसलिए इसको इंटरनली जनरेटेड फंड्स भी कहते हैं, ये चीज़ ऊपर भी आई थी, ये देखें रिटेन कैश, लेकिन ये कैश रखा हुआ था बचा के, ये इसी में से रखा होता है इंटरनली जनरेटेड फंड्स में से, अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए रखा हुआ तो इधर आ जाएगा, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ तो इधर आ जाएगा, ठीक है ना जी। उसके बाद है बोरविंग एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, ये उधर भी आया था, ये देखें ये वाली चीज़ यहाँ भी आई थी, यानी क्रेडिट एग्रीमेंट्स, तो ये शॉर्ट टर्म के होंगे, यानी एक साल से कम का कर्जा लेंगे तो इधर आ जाएगा, जिसको मनी मार्केट में आ जाएगा, और अगर एक साल से ज़्यादा के कर्जे फर्म लेगी तो वो लॉन्ग टर्म कर्जे बन जाएंगे, समझ गए बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉन्ग टर्म है डेट वो भी वो कंपनी ले सकती है, ठीक हो गया जी। तो बारह उसके बाद है जी नेक्स्ट क्या है, इसमें देखें दो तीन चीज़ें मज़ीद आ रही हैं, इसमें एक चीज़ ये आ रही है कि इसको बल्कि पढ़ा ही देता हूँ कि कंपनीज़ जो है वो बैंक से बोरो करते हैं और एंड फ्रॉम प्राइवेट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से जो है वो कंपनीज़ जो है वो कर्ज़ा ले लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं, जैसे एक बैंक है वो एक इंस्टीट्यूशन है और वो आपसे कहता है कि ठीक है हम आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हमें भी फिर उसमें से हिस्सा दें, तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो आपके साथ हिस्सादार बन जाते हैं। इन्वेस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो परचेज करते हैं डेट सिक्योरिटीज़ इशूड बाय द कंपनीज, क्योंकि डेट सिक्योरिटीज़ का मतलब ये है जिसे हम बॉन्ड कह रहे थे, ये बॉन्ड का मतलब क्या है, डेट है कि कंपनी के बॉन्ड इशू करेगी, कंपनी का बॉन्ड मींस कंपनी जितने पैसे चाहिए बॉन्ड इशू कर देगी उसके अंदर, तो
कंपनी फिर प्रॉमिस करती है कि उसमें बता देती है बॉन्ड के अंदर कि किस डेट को वो पे करेगी, कितनी अमाउंट पे करेगी और कितना उसके ऊपर सूद जो है वो पे करेगी उस कर्जे के ऊपर। इसको इसको हम डेट कैपिटल कहते हैं। डेट कैपिटल में डिबेंचर भी आ जाता है जो लार्ज कंपनीज इशू करती हैं, यूरो बॉन्ड्स भी आ जाता है और कमर्शियल पेपर भी आ जाता है। समझ रहे हैं? कमर्शियल पेपर ये इधर भी पढ़ा था आपने, ये शॉर्ट टर्म में था। अगर लॉन्ग टर्म में आ गया तो फिर उसको आप एक साल से ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म में ले जाएंगे। अच्छा, डिबेंचर्स और अदर लोन स्टॉक और लॉन्ग टर्म लोन्स, ये लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, इसमें क्या है कि डिबेंचर्स कौन इशू करता है? लार्ज कंपनीज करता है, और उनकी ट्रेड कहाँ पे होती है? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में होती है, ठीक है जी। ये यहाँ तक बातें समझ आ गई। तो आगे चलें तो बॉन्ड्स का बताया हुआ है। बॉन्ड्स मैंने अभी आपको बताया कि बॉन्ड्स जो है ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट का अभी हमें ज़रूरत नहीं है लिखने की। यहाँ सिर्फ लिखें बिजनेसेस, जो बिजनेसेस इशू करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, वो अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। कहाँ भला? यहाँ पे जब गवर्नमेंट का पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं। गवर्नमेंट के अलावा बॉन्ड होते हैं, अभी ये सिर्फ डिस्कशन हो रही है। किसकी भला? ये डिस्कशन चल रही है जनाब फर्म्स की, तो फर्म की ही बात करेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट लिखना भी नहीं चाहिए। तो बहरहाल, तो ये बॉन्ड क्या है? ये एक कर्ज़े के लिए एक कंपनी इशू करती है कागज़ का टुकड़ा, और उसको आप लोग, मैं, बैंक खरीदते हैं। उसके ऊपर वो क्या करती हैं, बॉन्ड के ऊपर आपको एक इंटरेस्ट रेट वो पे करती है, जिसको कूपन रेट कहते हैं। इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट एक ही बात है। और उसके बाद जब वो जितने देर का होता है वो पे करके, बाकी जो है वो फर्ज़ करें 6 महीने का है तो 6 महीने बाद असल अमाउंट वापस कर देगी कंपनी, और आपको सूद भी देती रहेगी पर मंथ या जैसे भी होगा वो बता देगी आपको। इसके अलावा जनाब है एक और पॉइंट, उसे हम कहते हैं यूरो बॉन्ड्स। यूरो बॉन्ड्स कहते हैं कि ये वो बॉन्ड्स हैं जो कंपनी क्या करती, कोई भी कंपनी अपनी अपनी कंट्री से बाहर बेचती है, और उसमें वो क्या करती है, अपनी जिस भी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान अगर यूरो बॉन्ड बेचेगा तो फॉर एग्जांपल वो इटली को बेचेगा, तो इटली की जो करेंसी होगी उसमें वो शो करेगा उस करेंसी, उस बॉन्ड की वैल्यू को, तो उसे कहेंगे यूरो बॉन्ड्स। तो यूरो बॉन्ड किसी भी मुल्क के हो सकते हैं, ये वो बॉन्ड हैं जो मुल्क से बाहर दुनिया से कर्जा इकट्ठा करने के लिए, एक मुल्क दूसरे मुल्क से कर्जा लेने के लिए बॉन्ड इशू करता है, और उसी मुल्क की करेंसी में इशू कर देता है जिस मुल्क की करेंसी में वो कर्जा लेना चाह रहा होता है। तो ये इस तरह कंपनियां भी करती हैं। कंपनियों को भी जब जरूरत पेश आती है तो वो बॉन्ड्स इशू कर देती हैं। पर ये यूरो बॉन्ड इधर आना नहीं चाहिए, ये गवर्नमेंट वाले सेक्शन में लिख के जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है जी वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल में, वेंचर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रिस्की जो है ना वो प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, जो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। यानी एक बंदा वो कहता है जी ठीक है, मैं ये फलां प्रोजेक्ट करने के लिए पैसा देता हूँ आपको, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक यूनिवर्सिटी बनानी है, ये कॉलेज बनाना है, या हॉस्पिटल बनाना है, तो मुझे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर मिल जाएंगे जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो राजामंद होते हैं रिस्की प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, और या स्टार्टअप के लिए जो नया काम शुरू करने के लिए, वो कहते हैं लगाएं जी पैसा, वो पैसा रिस्क की परवाह, वो रिस्क ले लेते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं डिग्री ऑफ रिस्क को, और उसके बाद जारी सी बात है वो भी जानते हैं कि हायर द रिटर्न हायर द रिस्क, तो वो ये वो लोग होते हैं जो आपको पैसा दे देते हैं और वो रिस्क भी ले लेते हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। उसके बाद है जी आखिरी चीज़ है जिसको हम कहते हैं मेज़नाइन फाइनेंस। मेज़नाइन फाइनेंस ये होता है कि उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, यानी डेट भी आ जाता है और इक्विटी भी आ जाती है। देखें, इक्विटी में तो आप मालिक बन जाते हैं, डेट में आप मालिक नहीं बनते। यानी कंपनी ने जब पैसा चाहिए तो कंपनी एक्सटर्नली, कंपनी के पास दो तरीके हैं, या तो कंपनी क्या करे, या तो कंपनी बॉन्ड इशू करके पैसा इकट्ठा कर ले, या फिर कंपनी इक्विटी इशू करके पैसा इकट्ठा कर ले। तो इसे कहते हैं डेट फाइनेंसिंग या इक्विटी फाइनेंसिंग। तो डेट फाइनेंसिंग में कंपनी ने बॉन्ड इशू करके पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसमें अब मालिक नहीं बनाया किसी को। इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर कंपनी ने क्या किया, सिर्फ आपको मालिक बनाया और पैसा इकट्ठा कर लिया। तो
तो ये चीज है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें इकट्ठी होके आ जाए, या इस तरह हो कि शुरू शुरू में तो वो डेट टोर, लेकिन उसमें ऑप्शन ये हो, यानी उस बॉन्ड के अंदर ये ऑप्शन मौजूद हो कि आप जब चाहें इसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं मेजनाइन फाइनेंस, जिसमें आप को ये ऑप्शन दिया जाता है कि अगर कंपनी आपका कर्जा वापस नहीं करेगी तो आप कंपनी के उतनी ही अमाउंट के मालिक बन सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मेजनाइन फाइनेंस। समझ आ गई बात जी? तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हुई है, लेकिन इसके अंदर आखिरी ये सेक्शन है 2.2.4 के, फाइनेंस को इकट्ठा करने में आपको डिफ़िकल्टीज होती हैं, क्योंकि बाज़ुकात जब आप मनी मार्केट से पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं या कैपिटल मार्केट से, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट है जो 1 साल से ज़्यादा का कर्जा देती है, और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट है जो 1 साल से कम का कर्जा देती है। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्तलिफ मुल्कों में ये मार्केट्स मौजूद होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पैसा इकट्ठा करने में नाकाम रहती हैं, उनको पैसा नहीं मिल पाता, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमें आप अपना कंट्रोल दें कंपनी का, फिर देंगे पैसा, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये कहता है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक पूरा इंस्टीट्यूशन ही आपकी कंपनी को चलाना शुरू कर देता है। तो इस तरह के कुछ मसाइल पेश आ सकते हैं जो कि होते हैं, इसको मज़ीद देखिएगा। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंस फॉर गवर्नमेंट, और ये जो है ये मैं टॉपिक अभी आपको 2 मिनट तक पढ़ाता हूँ, ज़रा होल्ड कीजिएगा। जी तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ देखें, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपके। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ओडी वी कैन गेट फ्रॉम द बैंक? ये बैंक आपको लिमिट दे देगा जी, इससे ज़्यादा, फातिमा ये आपको बता देगा वो, कि इससे ज़्यादा आप लिमिट दे, ये बैंक बताएगा, वो जितनी भी अमाउंट होगी उसके मुताबिक वो आपको बता देगा कि इससे ज़्यादा पैसा आप नहीं निकलवा सकते। सर जुनैरा ने कहा है कि वो अब फिजिकल क्लास लेती है, ऑनलाइन सेशन अटेंड नहीं करती, वो कहती है मैं आप किसी और को जीआर बना दें। आप ही बन जाएं जी जीआर, मुस्कान क्या नाम है आपका, आप जीआर बन जाएं, ठीक है ना? तो आप इसको कर लें मैनेज, तो आप मुझे ज़रा नंबर भी बता दें अपना, और बाकी गर्ल्स को भी फिर वो शेयर कर देंगे हम लोग, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, आगे चलते हैं। अच्छा, अगला सवाल भी लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ ब्लू चिप स्टॉक एंड शेयर, ये कहाँ पे पढ़ा है आपने जी? ब्लू चिप स्टॉक एंड शेयर कहीं पे पढ़ा है आपने? शेयर तो मैंने अभी आपको समझाया है कि किसे कहते हैं, तो ब्लू चिप जो है वो देखना पड़ेगा किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं, ब्लू चिप किसे कहते हैं, ठीक है ना जी? अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है जी फाइनेंस फॉर द गवर्नमेंट, फाइनेंस फॉर द गवर्नमेंट ये शुरू करते हैं। अच्छा, फाइनेंस फॉर द गवर्नमेंट में ये बात समझिए कि गवर्नमेंट को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और गवर्नमेंट के भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का फ्लो बराबर नहीं होता, यानी एक टाइम पीरियड में गवर्नमेंट जितने खर्चे करना चाह रही होती है उस, और उस टाइम पे जो वो रेवेन्यू होता है वो उतना नहीं आता है गवर्नमेंट के पास, यानी लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन
बिटवीन द मॉनेटरी रिसीट्स एंड पेमेंट्स. ये मसला तीनों के लिए है, हाउस होल्ड के लिए भी है, बिजनेस फर्म्स के लिए भी है और गवर्नमेंट के लिए भी है. इसका मतलब ये है कि ये सब के लिए मसाइल मौजूद हैं. अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि गवर्नमेंट की ये फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पेश आती है. यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट हैव द फिस्कल बजट कंसिस्टिंग ऑफ टैक्सेशन एंड अदर. ये तो पावर पॉइंट पे 3.1 से शुरू करते हैं. गवर्नमेंट पेमेंट्स और गवर्नमेंट रिसीट्स, ये ज़रा देखिए गवर्नमेंट की पेमेंट्स कौन कौन सी हैं जी. गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से हैं ये देखते हैं. गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो कहाँ कहाँ करती है, गवर्नमेंट को खर्चे कहाँ कहाँ करने पड़ते हैं. तो गवर्नमेंट नीड टू स्पेंड अ नंबर ऑफ आउटलेज ऑन ए करंट एंड लॉन्ग टर्म नेचर, दीज कैन बी कैटेगराइज. ये देखते हैं जी, ए और बी और दो हिस्सों में गवर्नमेंट के अखराजात को डिवाइड किया गया है. पहला ये है कि गवर्नमेंट परचेज करती है गुड्स एंड सर्विसेज को, और उसके अंदर एक है शॉर्ट टर्म और दूसरा है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म. ये जो शॉर्ट टर्म है ये गवर्नमेंट जो है खर्चे करती है ऑन करंट गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देनी है, सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. फिर गवर्नमेंट ने कोई गवर्नमेंट की अपनी बिल्डिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग की रिपेयर होती है, मेंटेनेंस होती है, उस पर खर्चा आता है. फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है, उसकी पेमेंट करनी होती है टू कैरी आउट द डेली गवर्नमेंट एक्टिविटी, यानी हीट पर, लाइट पर. यूके में चूँकि सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो हीट पर भी अखराजात आते हैं उनके. तो ये शॉर्ट टर्म, यानी शॉर्ट टर्म के अंदर जो गवर्नमेंट परचेज करती है गुड्स एंड सर्विसेज को, उनको हमने देखा कि वो कौन कौन से हैं. तीन आइटम इसने बताए हैं. और मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या हैं कि गवर्नमेंट ने रोड बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा करती है गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट करती है एक्चुअली वो, तो उसको मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर कहते हैं. ये दूसरा हो गया. तो ये आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं. इसके बाद जो, यानी एक तो गवर्नमेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चे करती है, और दूसरा जो है गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स करती है. ट्रांसफ़र पेमेंट्स को हम वो पेमेंट्स होती हैं जिसके बदले में गवर्नमेंट कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं ले रही होती. यानी इसका मतलब ये है कि उसके रिटर्न में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता, यानी गवर्नमेंट पे ही करती है, उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता. जैसे यानी ट्रांसफ़र पेमेंट्स का मतलब ये है कि गवर्नमेंट रिसीव नो गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न उसको कुछ नहीं मिलता. जैसे गवर्नमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है. हमारे मुल्क में तो नहीं है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे लोग अगर बेरोज़गार हों तो वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं और गवर्नमेंट उनको हर महीने पैसे देती है मुफ्त में, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लेती है. इसलिए कि उसके बदले में गवर्नमेंट कुछ नहीं मांगती उनसे. वेलफेयर पेमेंट्स होती हैं, यानी गवर्नमेंट एजुकेशन के पैसे भी खुद दे रही होती है, हेल्थ के पैसे भी गवर्नमेंट वहाँ पे खुद दे रही होती है. इलाज आपका फ्री हो रहा है, बच्चे आपके फ्री पढ़ रहे हैं, और सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स हैं ये सारी. पेंशन दे रही होती है, हमारे मुल्क में पेंशन मिलती है. तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं, यानी ये वन वे ट्रांसफ़र्स हैं. इसके बदले में दूसरी तरफ से कुछ नहीं मिलता गवर्नमेंट को. तो ये दोनों मिलाएं, ए और बी दोनों मिलाएं, तो ये गवर्नमेंट के क्या बन जाती हैं, ये गवर्नमेंट की स्पेंडिंग या गवर्नमेंट की पेमेंट बन जाती है. ठीक हो गया जी. अब आ जाएं गवर्नमेंट की रिसीट्स कौन कौन सी, यानी गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा कहाँ से करती है, रेवेन्यू कहाँ से मिलता है. तो गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए क्या करती है, रेवेन्यू कलेक्ट करती है. और रेवेन्यू में ख़ास तौर पर पैसा कहाँ से इकट्ठा करती है, टैक्सेस से. अब वो टैक्सेस बता रहा है कि कौन कौन से हैं जहाँ से पैसा इकट्ठा करती है. पहला है कि इनकम के ऊपर टैक्स लगाती है और कैपिटल के ऊपर टैक्स लगाती है, जिसको आप इनकम टैक्स कहते हैं. इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं लोग, उससे पैसा गवर्नमेंट इकट्ठा करती है. फिर गवर्नमेंट कंपनियों के प्रॉफिट पर टैक्स लगाती है, और जिसको कॉरपोरेशन टैक्स कहते हैं, वहाँ से पैसा इकट्ठा करती है. फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर टैक्स लगाती है या सेल पर टैक्स लगाती है. ये तो इनकम और कैपिटल गेंस पे टैक्स लगाया ना, क्योंकि आपने अगर फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन
टैक्स पाकिस्तान में भी मौजूद है, तो जो कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं उनके ऊपर वो लगता है, या किसी कंपनी के शेयर आपने खरीदे हुए हैं और शेयर पे आपको प्रॉफिट मिला है तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, उसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। उसके बाद कंपनियां जो है, सॉरी गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर पर भी टैक्स लगाती है, सेल्स पर भी लगाती है, यानी कंज्यूमर जो है अगर उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया है तो या लिया है तो उसके ऊपर वो सेल्स टैक्स पे करेंगे, एक्सपेंडिचर टैक्स पे करेंगे। और सेल्स टैक्स को क्या है, सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटीज़ हैं जो कि टोबैको पे लगती है, ये यूके में खासतौर पर अल्कोहल में, पेट्रोल पे, और वैल्यू एडेड टैक्स वहाँ पे वैट कहते हैं, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये सारे वो टैक्स हैं जो कि गवर्नमेंट इकट्ठे करके रेवेन्यू जनरेट करती है, समझ रहे हैं। ये वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो किस किस पे लगता है, टोबैको पे, अल्कोहल पे, पेट्रोल पे, ठीक है ना जी। सेल्स टैक्स लेती है जो सेल पे लगता है, और प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट वो एक्साइज ड्यूटी होती है, और सर्विसेज पे जो टैक्स लगाती है या रिक्रिएशन पे जो टैक्स लगाती है, सिनेमा पे आप जाएं तो एक्साइज ड्यूटी लेंगे, उसको हम एक्साइज टैक्स कहते हैं। ये दूसरे, फिर सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, ये भी गवर्नमेंट पैसे इकट्ठे करती है। इसका मतलब ये है कि ये एम्प्लॉयर जो होता है ना, जैसे अब मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मेरा एम्प्लॉयर जो है वो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को जमा करवाएगा ताकि मैं मेरी हेल्थ का और मेरी पेंशन का इंतज़ाम हो सके, और ये अमाउंट जो है वो जमा होती है गवर्नमेंट की इंश्योरेंस, गवर्नमेंट की एक्सचेकर में या इंश्योरेंस कंपनियों को जमा कराई जाती है वहाँ पर। अदर रेवेन्यूज, गवर्नमेंट जो है वो और पैसे भी इकट्ठे कर लेती है, जैसे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, ट्रेड करती है, बिजनेस करती है, उससे भी गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है। ये गवर्नमेंट की अपनी एंटरप्राइजेज होती हैं, जैसे पाकिस्तान में PIA है या पाकिस्तान रेलवे है, ये गवर्नमेंट को अर्न करके देती हैं, अदर रेवेन्यूज ये होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो मैंने अभी गिनवाए हैं ये गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हैं, और ये जो मैंने गिनवाए थे ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं। अब फिर अब इनमें मसला क्या है, इनमें मसला ये है कि ये किसी एक टाइम पीरियड पे ये दोनों मैच नहीं करते। जब मैच नहीं करते तो फिर जारी सी बात है कि क्या होता है वहाँ पे मसला पैदा होता है कि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज़ हैं और उनमें और एक्सपेंडिचर में लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन आ जाती है, जो मसला बाकी लोगों के साथ भी था। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इनको पूरा करने के लिए कैसे कैसे काम करती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट टर्म में अगर गवर्नमेंट ने करना है तो वो कैसे करेगी, ये देखें, टाइम फ्रेम है शॉर्ट टर्म, तो इसमें क्या करती है, अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा हो तो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले लेती है, और कहाँ से लेती है, सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक पाकिस्तान का है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए सेंट्रल बैंक से कर्जा लेती है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट का ही बैंक होता है। सेंट्रल बैंक क्या होता है, बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, और इसमें गवर्नमेंट ने ये पैसे लेके क्या करती है, गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी पेमेंट करनी होती है, पेंशन देनी होती है, सैलरीज देनी होती हैं एम्प्लॉयज़ को, या गवर्नमेंट ने रूटीन की गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी हो, इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म ये नीड्स कहलाती हैं, इनके लिए गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से कर्जा लेके पूरा कर लेती है। मीडियम टर्म अगर गवर्नमेंट ने स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, रोड बनाने हैं, या इनको कहते हैं पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फंड्स को एक साल से एलोकेट करती है ज़्यादा के लिए, अपने बजट के अंदर वो उसको लेके आती है, गवर्नमेंट एलोकेट करती है मोर फंड्स टू वन ईयर रादर देन एज अ पार्ट ऑफ फिस्कल मैनेज इकोनॉमिक ग्रोथ। फिस्कल पॉलिसी कहलाती है ये, फिस्कल पॉलिसी कहते हैं गवर्नमेंट की रेवेन्यू और टैक्स की पॉलिसी। और इसमें ये यहाँ पे देखते हैं कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है अगर वो काउंटर साइक्लिकल है, काउंटर साइक्लिकल कहते हैं कि मुल्क के अंदर बेहतरी है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं, ये काउंटर हो गया ना, उलट होगी बात, और मुल्क के अंदर अगर बेहतरी नहीं है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर फिर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि लोगों की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ेंगे, तो इकोनॉमिक साइकिल के साथ उसका काउंटर साइकिल चल रहा होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि मैनेज करे अपनी फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए और इन चीज़ों को
प्रोवाइड करे अपने बजट के अंदर लेके आके, और बाज़ुकात ऐसा जब मैनेज नहीं कर पाती तो गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो डेफिसिट में चला जाता है। डेफिसिट का मतलब ये कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाती है और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम हो जाता है। तो इस बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट फिर प्राइवेट सेक्टर से कर्जा लेके उस बजट को पूरा करती है, या फिर वो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है और बॉन्ड लोग खरीदते हैं या बैंक खरीदते हैं और बैंकों से वो पैसा इकट्ठा करती है, या फिर भी पूरा ना हो बजट डेफिसिट तो गवर्नमेंट फिर बैरून ममालिक से कर्जा ले लेती है, इसे हम फॉरेन डेट कहते हैं। उसके बाद ये है कि अगर गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, जैसे कोई डैम बनाना है, ये डैम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इस तरह एक गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल बनाना है, या एक पाकिस्तान में जिस तरह हम एटमी ताकत है तो एटॉमिक जो है उस पर कोई खर्चे करने हैं, तो गवर्नमेंट को बहुत पैसा चाहिए होता है, और इसके लिए जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट जो है उनका स्पेंडिंग बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ता है, और वो कर्जा फिर वो इंटरनली भी ले सकती है, वो एक्सटर्नली भी ले सकती है। इंटरनली कर्जा लेगी तो बैंकों से लेगी या प्राइवेट सेक्टर से लेगी, उसको डोमेस्टिक डेट कहेंगे, और अगर वो एक्सटर्नली लेगी तो वो किसी मुल्क से लेगी या किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लेगी, जैसे IMF से लेगी, वर्ल्ड बैंक से लेगी, या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेगी, या इस्लामिक बैंक से लेगी, तो वो फिर फॉरेन डेट कहलाता है, तो उससे वो अपनी चीज़ें जो हैं वो पूरा करती है। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया कि गवर्नमेंट अपने अखराजात कैसे पूरे करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की पेमेंट्स जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं है उनकी रिसीट के साथ। ये मसला तीनों में था, यानी हाउस होल्ड में भी यही मसला है कि एक टाइम पीरियड पे गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर नहीं होते हैं किसी एक टाइम पीरियड। अगला जो क्वेश्चन है जी वो ये है कि गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट और सरप्लस क्या होता है, लेकिन मैं दोबारा से एक चीज़ समझा दूँ कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है, ये ज़रा समझ लीजिए, फिस्कल पॉलिसी को बजट भी कहते हैं, बजट या बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। और इसमें क्या होती हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तरफ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की रिसीट्स होते हैं कि पैसा इकट्ठा कहाँ से करेगी और खर्च कहाँ पे करेगी। ये चीज़ें दोनों आप पढ़ आए हैं ऊपर कि रिसीट कौन कौन से हैं और स्पेंडिंग कौन कौन सी हैं। ये देखें, ये जो आपने यहाँ पर लिखा ना गवर्नमेंट पेमेंट्स एंड रिसीट्स, ये एक्चुअली ये किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, या हम किसकी बात कर रहे हैं, बजट की बात कर रहे हैं। तो बजट मींस गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, इसको गवर्नमेंट की टैक्स की पॉलिसी भी कहा जाता है, क्योंकि इधर देखें तो रिसीट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ रही, टैक्स आ रही, तो इसको टैक्स या गवर्नमेंट की टैक्स की पॉलिसी या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की पॉलिसी भी कहते हैं फिस्कल पॉलिसी को, बजटरी पॉलिसी। और बाज जब गवर्नमेंट की बजट जो है उसमें ये होता है कि अगर गवर्नमेंट के जो रिसीट्स हैं वो इक्वल हो जाएं उनकी स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर के, तो इसे हम बैलेंस्ड बजट कहते हैं, बैलेंस्ड बजट कहते हैं। और अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू उसकी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाए तो इसे हम सरप्लस बजट कहते हैं, और अगर रेवेन्यू जो है वो कम हो जाए एक्सपेंडिचर से तो इसे हम क्या कहते हैं, डेफिसिट बजट कहते हैं, डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट मींस कि गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा है और गवर्नमेंट के जो इनकम है वो कम है, रेवेन्यू कम है। ये तीन तरह के गवर्नमेंट के बजट होते हैं। तो गवर्नमेंट डेफिसिट और सरप्लस समझ आ गया आपको, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए फिस्कल ईयर किसे कहते हैं, सॉरी फिस्कल ईयर का मतलब है कि जिस एक साल के अंदर गवर्नमेंट ने पैसे इकट्ठे करने और खर्च करना है। जैसे हमारा जो फिस्कल ईयर है वो कहाँ से कहाँ तक है बोला, फिस्कल ईयर ऑफ पाकिस्तान हमारा है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक ये हमारा फिस्कल ईयर है। मतलब अगर हम आप देखें ना इस वक्त तो ये 1 जुलाई से शुरू हो चुका है हमारा फिस्कल ईयर। अगर देखें तो हमारा लिखा होता है कि ये बजट जो है, ये बजट जो है 2020-21 का बजट, तो 2020-21 का मतलब ये है 2021
बीस इक्कीस का बजट का मतलब ये है कि 6 महीने इधर हैं और 6 महीने इधर हैं, समझ आ रही? हमारे मुल्क के 6 महीने 1 साल में आते हैं, 6 साल 1 में चले जाते हैं, ये हमारा फिस्कल ईयर है। यानी फर्स्ट जुलाई 2020 से शुरू हुआ और 30th या 31st दिसंबर तक 2020 तक ये 6 माह बनते हैं, 6 मंथ। फिर फर्स्ट जनवरी 2021 से शुरू होगा और 30th जून तक जाएगा 2021 तक, ये फिर 6 माह बनेंगे। तो 6 माह ये हैं, 6 माह ये हैं, इसको कहते हैं 2021 का बजट। ये हमारा फिस्कल ईयर है, 6 माह हमारे इस 20 में आएंगे और 6 माह हमारे 21 में जाएंगे। तो हमारा जो भी फिस्कल ईयर हमारा आता है वो इसी तरीके से आएगा, 2021, फिर अगला साल आएगा तो 21-22, तो 6 महीने इधर 6 महीने आगे। तो फिस्कल ईयर समझ आ गए, फिस्कल ईयर जो है जिसमें गवर्नमेंट का बजट आता है, जिसमें गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी अनाउंस होती है, जिसमें गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब करना होता है, इसको फिस्कल ईयर भी कहते हैं, इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, इसको टैक्स ईयर भी कहते हैं, इसको एग्रीकल्चर ईयर भी कहते हैं, इसको ट्रेड ईयर भी कहते हैं, ये सारे नाम हैं। मैंने अभी आपको बता दिया है कि गवर्नमेंट का बजट सरप्लस भी हो सकता है, ये मैंने अभी समझाया है, और गवर्नमेंट का बजट जो है वो डेफिसिट में भी हो सकता है। और यहाँ पे आपको बजट डेफिसिट समझाया गया, बजट डेफिसिट का फार्मूला ये है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में से गवर्नमेंट रेवेन्यू को माइनस कर दीजिए, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये माइनस का साइन है, माइनस गवर्नमेंट रेवेन्यूज। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से हैं, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं, और ये फिर माइनस साइन से आगे तक, माइनस साइन से यहाँ से लेके ये जो चीज़ है ना यहाँ तक, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। रेवेन्यू मींस टैक्स, टैक्स का मतलब रेवेन्यू। ये देखें एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, गवर्नमेंट परचेजेस, ट्रांसफर्स और नेट इंटरेस्ट, ये तीनों मिलाएंगे तो ये गवर्नमेंट का क्या है, एक्सपेंडिचर्स हैं, तीनों मिला दें ये तीनों, फिर ये माइनस का साइन ये आ रहा है, इधर भी माइनस का साइन आ गया, और गवर्नमेंट रेवेन्यू वैसे लिख दिया। और गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जो मेजर रेवेन्यू का सोर्स होता है वो टैक्स होता है, इसलिए टी लिख दिया, इसीलिए ये लिखा है पी प्लस टी आर प्लस आई एन टी, ये बनता है यहाँ तक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, फिर माइनस क्या है ये टैक्स, ये वही इक्वेशन है जो ऊपर लिखी हुई, समझ आ गई बात आपको? तो इसका मतलब ये है कि ये वाली हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है एक्सपेंडिचर है और ये क्या है रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इज इक्वल टू बजट डेफिसिट, ये बजट डेफिसिट का फार्मूला है। यहाँ तक समझ आ गई बातें, तो आगे चलते हैं। अच्छा अब ये है कि जब भी गवर्नमेंट का स्पेंडिंग उसकी टैक्सेस से ज़्यादा हो जाएगी तो उसका बजट डेफिसिट में चला जाएगा, यानी गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो कम रह जाएगा। टैक्स जब, टैक्स क्या रेवेन्यू है ना, तो टैक्स जब कम इकट्ठा होगा और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा तो गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में चला जाएगा। और इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। और कर्जा लेने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कर्जा लेने के लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, और वो शॉर्ट टर्म के भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के भी हो सकते हैं, ठीक है ना जी? तो जो शॉर्ट टर्म जो गवर्नमेंट का कर्जे का लेने का इंस्ट्रूमेंट है उसे ट्रेजरी बिल कहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म होते हैं उन्हें ट्रेजरी बॉन्ड कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म है और ये शॉर्ट टर्म है, ये दोनों गवर्नमेंट के कर्जा लेने के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, इन्हें क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इससे इनको इशू करके गवर्नमेंट कर्जा ले सकती है। जैसे ये देखें यहाँ पर बताया हुआ है ट्रेजरी बिल, ये शॉर्ट टर्म का कर्जा लेने के लिए, मतलब 90 डेज के लिए आप गवर्नमेंट का ये कर्जा ले लें, और इसको गवर्नमेंट नॉर्मली डिस्काउंट पे इशू करती है ट्रेजरी बिल, इनको टी बिल्स भी कहते हैं। यानी गवर्नमेंट ने फर्ज करें एक लाख रुपये का कर्जा लेना है तो उसको, या 1000 रुपये का कर्जा लेना है तो 1000 रुपया इसकी प्राइस है, इसकी वैल्यू है, और आप उसको, यानी इसकी ये फेस वैल्यू है, ये मैं इसको सही करके लिख दूँ,
दोबारा से समझाता हूँ। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है? 1000 रुपए की। और ये क्या है? ट्रेजरी बिल है, टी बिल कहते हैं इसको। तो टी बिल कितना है? 1000 रुपए का। अब ये गवर्नमेंट ने 1000 रुपए का कर्जा लेना है, तो आप वो गवर्नमेंट इसको कहेगी, इसकी होती है बोली लगती है, और आपने फर्ज करें इसको खरीद लिया कितने का? 900 रुपए का। तो जब आपने 900 का खरीदा तो इसकी प्राइस क्या थी? 900 रुपये। फेस वैल्यू को कहते हैं एफ। एफ यहाँ देखें, पी जो है वो एफ से कम है, और पी और एफ का डिफरेंस जो है वो डिस्काउंट है, और वो कितना है? 100 रुपया। एफ कितना है? 1000। और ये खरीदी कितने की? आपकी 900 की। तो आपको खरीदते ही पता चल गया कि आपको 100 रुपये का बेनिफिट हुआ है, 100 रुपीज़। तो ये ट्रेजरी बिल का ये फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट इसको डिस्काउंट पे इशू करती है, तो आप इसकी बोली लगाते हैं। हो सकता है ये 800 की खरीद लेता कोई, तो उसको खरीदते ही 200 रुपये का बेनिफिट होता। तो जो भी बोली जिसकी हो जाएगी, जो बोली जीत जाएगा, लेकिन ये डिस्काउंट पे इशू होगा। हो सकता है 990 की बिक जाए, हो सकता है 950 की बिक जाए, लेकिन उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो मिलेगा आपको। तो आपने 900 रुपये, 1000 रुपये लिखा हुआ है उस ट्रेजरी बिल के ऊपर, तो आपने 900 खरीदी है, तो अगर वो 3 महीने के लिए है तो 3 महीने आपने रखना है उस कागज़ के टुकड़े को संभाल के, ट्रेजरी बिल जिसे कहते हैं। और उसके बाद जब आप उसको 3 महीने बाद गवर्नमेंट को वापस देंगे, तो वो 1000 रुपये दे देगी, हालांकि आपने 900 की खरीदी थी, 1000 रुपये बेनिफिट हो जाएगा और गवर्नमेंट को कर्जा मिल जाता है। ये मैंने सिंपल सी एग्जाम्पल से आपको समझाया। फिर है ट्रेजरी बिल, सॉरी ट्रेजरी बॉन्ड। ये बिल है, ये बॉन्ड है। ट्रेजरी बॉन्ड क्या होता है? ट्रेजरी बॉन्ड में भी दो चीज़ें होती हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट कर्जा जो है वो लेती है, किस तरीके से? ये भी शॉर्ट टर्म का हो सकता है, मीडियम टर्म का भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है। बॉन्ड जो है शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, मीडियम का भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट आपको कूपन रेट देती है। कूपन रेट मींस इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। इसके ऊपर सूद मिलता है आपको, और इनको हम गिलेट एज सिक्योरिटीज भी कहते हैं। किनको भला? ये इन दोनों को, ठीक है ना जी। यूके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, ये ट्रेजरी बिल या ट्रेजरी बॉन्ड, इनको गिलेट एज सिक्योरिटीज भी कहते हैं यूके के अंदर। तो ये है जी गवर्नमेंट के कर्जे लेने के तरीके। गवर्नमेंट टी बिल इशू करती है या ट्रेजरी बॉन्ड इशू करती है। टी बिल जो है डिस्काउंट पे इशू होता है, उस पर कोई प्रॉपर सूद नहीं मिलता, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस होता है पी और एफ का, वो खरीदते पता चल जाता है आपको कितना बेनिफिट हुआ। जैसे 1000 वाला ट्रेजरी बिल अगर मैंने 900 खरीद लिया, तो मुझे खरीदते पता चल गया कि मुझे 100 का बेनिफिट हुआ। इस पर प्रॉपर सूद नहीं मिलता आपको, डिस्काउंट मिलता है। और दूसरा जो बॉन्ड होता है, उस पर गवर्नमेंट आपको कर्जा ले लेती है आपसे, और आप बॉन्ड खरीद लेते हैं गवर्नमेंट का, और या आप खरीदते हैं या बैंक खरीदता है, गवर्नमेंट को कर्जा देते हैं, और फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट हर साल, अगर 15 साल के लिए, तो हर साल कर्ज सूद देती रहती है, और 15वें साल आपकी असल रकम वापस कर देती है, ठीक है ना जी। उसके बाद है जी गवर्नमेंट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट डेट। ये मैंने अभी आपको समझाया कि जब भी गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में होता है, गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जब भी बजट डेफिसिट होगा, डेफिसिट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा होगा गवर्नमेंट के रेवेन्यू। मतलब फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 100 रुपये है, और जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू वो 70 रुपये है, तो डेफिसिट कितना हो जाएगा? 30 रुपये। अब ये 30 रुपये बजट डेफिसिट में है, खसारे में है, इसको पूरा कैसे करें? तो इसको पूरा करने का तरीका ये है कि गवर्नमेंट कर्जा ले, लोन बोरो करे। क्या करे? बोरो करे। तो गवर्नमेंट जब बोरो करती है, तो उसका तरीका ये है कि गवर्नमेंट या तो इंटरनली बोरो करती है, या एक्सटर्नल बोरोइंग करती है, एक्सटर्नल डेट लेती है, या इंटरनल डेट लेती है, डोमेस्टिक डेट जिसे कहते हैं डीडी, डोमेस्टिक डेट, या फॉरेन डेट जिसे कहते हैं एक्सटर्नल डेट, एक्सटर्नल डेट लेती है, तो उससे पूरा करती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट के डेफिसिट होते हैं, वो एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सारे कर्जे के अंदर हो जाते हैं। तो डेफिसिट जितने क्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो एक्चुअली किसके बराबर हो जाते हैं?
डेट के, क्योंकि ये बोरो करके किस में चले जाते हैं आप, पब्लिक डेट कहते हैं इसको, पब्लिक कहते हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट का कर्जा वो या तो डोमेस्टिक होता है या वो एक्सटर्नल होता है, लेकिन वो किसके नतीजे में वजूद में आता है, वो गवर्नमेंट के डेफिसिट के नतीजे में आता है। इसका मतलब ये है कि जो इस चीज़ में फ़र्क समझिए कि गवर्नमेंट का जो डेफिसिट होता है और गवर्नमेंट का डेट होता है उसमें फ़र्क है। डेफिसिट को पूरा करने के लिए कर्जा लिया जाता है और कर्जे को ही डेट कहते हैं, कर्जे को ही डेट कहते हैं। जो जितना डेफिसिट होगा उतना ही एक्चुअली डेट इकट्ठा हो जाता है आपका, उतना ही डेट होता है। समझ गया ना ये बात? इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूमिलेशन ऑफ द गवर्नमेंट डेफिसिट जो है, एक्यूमिलेशन, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, एक्यूमिलेशन ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, जितना डेफिसिट इकट्ठा होता जाएगा उतना ही गवर्नमेंट क्या करेगी, डेट लेगी, उतना ही गवर्नमेंट क्या लेगी, कर्जा लेगी। समझ आ गई बात? तो गवर्नमेंट जो डेफिसिट है वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा शो कर रहा है गवर्नमेंट की रेवेन्यू की नस्बत, है ना। और गवर्नमेंट जो डेफिसिट है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, जितना हर साल आता जाएगा डेफिसिट और फिर उतना ही कर्जा हर साल गवर्नमेंट लेती जाएगी, और वो कर्जा इकट्ठा होते होते क्या हो जाएगा, स्टॉक बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट डेट है वो एक्यूमिलेशन ऑफ डेफिसिट है ओवर टाइम। यही जो मैंने अभी बात की, एक्यूमिलेशन ऑफ द गवर्नमेंट डेफिसिट इज इक्वल टू डेट, जितना डेफिसिट होगा उतना ही कर्जा लेना पड़ेगा, और वो फिर इकट्ठे होते होते, इस साल अगर फर्ज करें इस साल 30 रुपये का डेफिसिट है तो बोरो कितना किया, 30 रुपये, पब्लिक डेट कितना हो जाएगा, 30। अगले साल फर्ज करें डेफिसिट 40 का हो जाता है तो 30 जमा 40 70, तो डेफिसिट तो 40 होगा लेकिन टोटल डेट 70 का हो जाएगा, 70 और 30 100 रुपये का हो जाएगा। समझ नहीं आई बात? ये 40 और 30 70 हो जाएगा, तो ये इस तरीके से कंबाइन होना शुरू हो जाएगा, 40 जमा 30 70। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये मैं दोबारा लिख के समझा दूँ, ये 30 पहला था और अब कितना फर्ज करें, अगले साल 40 आपका डेफिसिट हो जाता है, ये ईयर वन में है, ईयर टू के अंदर 40 हो जाता है, यानी आपकी एक्सपेंडिचर 100 और आपका रेवेन्यू 60, तो 40 रुपये का डेफिसिट, तो 40 का फिर कर्जा लेना पड़ेगा, तो डेट कितना हो जाएगा, 70। तो 70 डेट और लेकिन इस साल का जो डेफिसिट है वो 40 है, तो 40, लेकिन दोनों सालों का अगर मिला लिया जाए तो दोनों सालों का डेफिसिट मिलकर ही डेट बन रहा है। ये देखें 40 जमा 30 70 और 40 जमा 30 डेट 70, दोनों बराबर है। समझ गए बात? तो ये है जी डेफिसिट एंड डेट। ये चौथा सवाल मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको कि डायरेक्ट फाइनेंस और इनडायरेक्ट फाइनेंस क्या होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया और इसमें मेरा ख्याल आप कोई चीज़ जो है वो रह नहीं गई जो हमने ना पढ़ी हुई हो, ठीक है ना जी। इसका अब एक क्विक क्विज कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में पहले समझाया था आपको किसे कहते हैं। इसमें जो पहला सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अ बोरोइंग इज अनलाइकली टू बी यूज्ड बाय द हाउस होल्ड इसमें से हाउस होल्ड कर्जा लेना चाहे तो इनमें से क्या क्या ले सकता है, क्रेडिट कार्ड ले सकता है, लोन ले सकता है, मॉर्गेज यानी जमीन के बदले में कर्जा ले सकता है। अनलाइकली मीन्स जिसका इम्कान ही नहीं है, वो ये है। तो इसका जवाब ये है, क्योंकि इक्विटीज या शेयर कौन इशू करती हैं, हाउस होल्ड नहीं करती बल्कि वो बिजनेसेस करती हैं, इसलिए पहला जवाब ठीक होगा ये वाला ए, क्योंकि उसने कहा था क्या ऐसी चीज़ है जो बोरविंग के लिए हाउस होल्ड नहीं कर सकता, तो वो इक्विटीज़ है, इक्विटीज़ कंपनी इशू करती हैं, ठीक हो ना जी। उसके बाद है जी चौथा सवाल कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने समझाया हुआ आपको। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट डी है, यानी लेंथ ऑफ द क्रेडिट बराबर होनी चाहिए लाइफ ऑफ द एसेट की, ठीक है ना जी। और उसके बाद जनाब आठवें में देख लें, उसमें बता रहा है कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज फंक्शन ऑफ द कमर्शियल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं, बिल्कुल करती हैं।
ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम करती हैं, एग्रीगेशन करती हैं, ये भी पढ़ा था ना हमने, ये वाली चीज़, ये देखें एग्रीगेशन करती है, ये रहा एग्रीगेशन, और आपकी जो कॉस्ट है वो कम करती है, कौन सी वाला, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम करती है, वो हमने पढ़ा था, यानी इसके अंदर आएगा। उसके बाद आपका तीसरी बात उसने क्या की है कि मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्म करती है, तो ये रहा मैच्योरिटी भी ट्रांसफॉर्म करती है, ये रहा मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना जी। लेकिन जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं वो डेट, गवर्नमेंट डेट इशू नहीं करती, ये नहीं करती फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, एक्सेप्ट लिखा हो ना, सवाए इसके, किसके, इसके। दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग इस बुक के आखिर में 39 से लेके 44 तक भी क्वेश्चंस को देखिएगा। तो दसवां क्वेश्चन, दसवां चैप्टर जो है वो कल हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, ये भी फाइनेंशियल सिस्टम से रेलिवेंट ही है, और इसमें कितने क्वेश्चन हैं, इसमें 5 क्वेश्चन हैं, ये हम कल इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, कल इसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।